तो गाजा में अस्पताल का संकट खड़ा है, तो उधर लेबनन के मोर्चे पर इसराइल को कड़ी चुनौती मिल रही है। और यही है हमारी अगली स्टोरी, 60 मिनट 15 स्ट्राइक। इन चुनौतियों का कड़ा जवाब दे रहा है इसराइल। आगे बढ़ने से पहले आपको उसके लेटेस्ट शॉट्स दिखा देते हैं। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जब IDF ने दक्षिणी लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्ला पर एयर स्ट्राइक की गई और सीधे मिसाइल से उसके अड्डे को ध्वस्त कर दिया। आपको याद होगा, शनिवार को हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला ने एक हफ्ते में दूसरी बार इसराइल और पश्चिमी देशों को धमकी दी, युद्ध की आग को और भड़काने वाली बात कही। नसरल्ला ने 11 नवंबर को लंबी लड़ाई का ऐलान करते हुए कहा था कि जीत का एकमात्र विकल्प जंग है। इस धमकी के अगले दिन यानी रविवार को हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इसराइल पर भीषण हमले किए। ड्रोन से लेकर मिसाइलें तक दागी गई। 60 मिनट में 15 हवाई हमले हुए और लेबनन सीमा के पास के इजरायली इलाकों को टारगेट किया गया, जिसमें 21 लोग घायल हो गए। सवाल है कि क्या IDF के लिए लेबनन बॉर्डर पर मुसीबत बढ़ गई है? क्या ईरान के इशारे पर हिजबुल्ला ने हमले तेज किए और हिजबुल्ला से निपटने के लिए इसराइल का अगला प्लान क्या होने जा रहा है? गाजा युद्ध के दौरान ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला ने IDF पर सबसे बड़ा हमला बोला। ताबड़तोड़ हवाई हमले हुए, मिसाइल दागी गई, 15 रॉकेट दागे गए। लेबनन बॉर्डर के पास टोवेव में इस अटैक से भारी नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां धू धू कर जलती नजर आई। हिजबुल्ला ने इस बार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से IDF की पोस्ट को निशाना बनाया, जिसकी चपेट में आम लोग भी आ गए। मिसाइल हमले में 14 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। इनमें कुछ घायल बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो लेबनन की ओर से हुई कार्रवाई में पहले से खराब पड़ी पावर लाइन को ठीक करने के लिए आए थे। इसराइल के उत्तरी इलाके में हिजबुल्ला के लड़ाकों ने मोर्टार से भी हमला किया, जिसमें 7 जवान घायल हो गए। हिजबुल्ला ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सर्विलांस के लिए लगे कैमरे और सेंसर उपकरणों को उड़ाते नजर आए। IDF के इन उपकरणों से हमले के बाद धमाका और उसके बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आई। इसराइल को हिजबुल्ला ने सिर्फ मिसाइलों और रॉकेट से टारगेट नहीं किया, बल्कि ड्रोन से भी बारूद बरसाया गया। हिजबुल्ला की ओर से जारी फुटेज में उसकी कामकाजी ड्रोन इसराइल के ठिकानों पर हमला करते नजर आए। दक्षिणी लेबनन की ओर से हमले तेज हुए तो IDF ने भी भीषण पलटवार किया। इसराइल के एयरफोर्स ने स्ट्राइक कर दी। हिजबुल्ला के कई ठिकानों और हथियार डिपो को ध्वस्त करने का दावा किया गया। इनमें वो जगह भी शामिल थी जहां से IDF की पोस्ट को टारगेट किया गया था। IDF भी मानती है कि लेबनन बॉर्डर पर हालात खराब हैं। इस बात का पता इससे भी चलता है कि गाजा से ज्यादा इसराइल की फोर्स और फाइटर जेट लेबनन बॉर्डर पर तैनात हैं। तो 7 अक्टूबर को गाजा युद्ध की शुरुआत से ही लेबनन के मोर्चे पर ईरान के समर्थन वाला गुट हिजबुल्ला एक्टिव है। वो लगातार इसराइल के इलाकों में हमले कर रहा है। हिजबुल्ला के हमले में अब तक IDF के 6 जवान मारे जा चुके हैं, जबकि IDF की कार्रवाई में लेबनन की तरफ 80 से ज्यादा लोग मारे गए। इन लोगों में 71 हिजबुल्ला के लड़ाके हैं।